नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिव लाइव। बिहार के युवाओं को जल्द ही पटना मेट्रो में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में लग चुकी है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जल्द ही 22 पदों पर बहाली शुरू कर सकती है। हालांकि सरकार की इस योजना में सीधे बहाली की बजाय निजी एजेंसी के जरिए कर्मचारियों की सेवा ली जाएगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एजेंसी के माध्यम से मैन पावर की भी बहाली करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि पटना मेट्रो रेल में बहाली के नाम पर फर्जीवाड़ा का धंधा भी खूब चल रहा है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम देख रही एजेंसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस बारे में युवाओं को सावधान किया था। ऐसी ठगी के जाल में दिल्ली और दूसरे प्रदेशों के युवा भी फंस चुके हैं। पटना मेट्रो इस समय एक ड्राफ्टमैन, 2 IT एग्जीक्यूटिव, 5 स्टेनोग्राफर, 4 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 10 सपोर्टिंग स्टाफ पदों पर बहाली करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि मेट्रो के कॉरिडोर 2 को प्राथमिक कॉरिडोर के रूप में रखा गया है। इस रूट पर DMRCL राजेंद्र नगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना वीवी, PMCH, गांधी मैदान और आकाशवाणी जैसे बड़े स्टेशन होंगे। इसकी कुल लागत 1,951 करोड़ रुपये है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।